तो व्यूवर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये गोट्स यहाँ पे रखे हुए हैं और आज इन तमाम गोट्स को हम वीडियो में देखेंगे। अब एक एक गोट को हम सिंगल देखेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फीमेल है, दोनों बकरियाँ हैं। अच्छा, तो ये दोनों जो है वो फीमेल है और वन मंथ जो है इनकी एज हो गई है बच्चों की। तो ये इसकी डिमांड 35,000 रुपये इसकी डिमांड है। और इसके कान थोड़े से डिफरेंट है, तो कौन सी ब्रीड से इसको? यार ये कान मेरे पास, ये बादशाह मेरा खड़ा हुआ है टापरा, हैदराबादी टापरा, उसी से लगी है, ये मेट हुई है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेदास में इन्फॉर्मेटिव चैनल जिनेद जमशेद। एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, एक बार फिर हम ताहिर बर्ड्स सेटअप के पास मौजूद हैं। यहाँ पे आज ताहिर भाई ने खुसूसी तौर पे हमें बुलाया है। इनके पास कुछ बकरे मौजूद हैं, आज ये बकरे दिखाएंगे आप तमाम व्यूवर्स को। तो देखते हैं इनके पास कौन सी ब्रीड के गोट्स मौजूद है और उनके क्या प्राइसेज है। तो आइए सबसे पहले ताहिर भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं ताहिर भाई? अल्लाह का शुक्र है भाई। तो ये बताएं कि आप तो बर्ड्स वगैरह का यहाँ पे सेटअप करते थे, तो अब आपने गोट्स का ये जो सिलसिला जारी किया है, तो ये बताएं कि क्या आइडिया है आपके पास, और साथ साथ ये भी बताएगा कि अभी गोट की कौन कौन सी आपके पास ब्रीड मौजूद है। मेरे पास इस टाइम पे माशाल्लाह से गोट में गुलाबी बकरे भी हैं, टापरे भी हैं, हैदराबादी टापरे भी हैं, और इनकी फ़ीमेल्स भी हैं, और जो सारी फ़ीमेल्स हैं वो प्रेग्नेंट भी हैं, और एक आध फीमेल्स के मेरे पास बच्चे भी हैं। अच्छा, तो पहले तो बर्ड्स का काम कर रहे थे, ये गोट में अचानक से? जी जी, बर्ड्स का मेरा काम है, बर्ड्स का मेरा अपना सारा वही जो पुराना अपना सारा बर्ड्स का काम चल रहा है वो चल रहा है। ये कि मेरा पहले बकरियों पर को मैं बहुत लाइक भी करता हूँ, मुझे शौक़ भी बहुत है बकरियों का। तो ये कि मैंने काफ़ी बकरियाँ माशाल्लाह यहाँ पर रखी हुई हैं, और तो मैं चलो यार इसमें अब थोड़ा ज़रा सेल परचेस का भी काम करके देखते हैं। इसके अंदर मेरे पास काफ़ी बकरियाँ माशाल्लाह से मौजूद हैं। तो क्या रेंजेस के गोट्स आपके पास मौजूद है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक एंड है इसके रेंज? मेरे पास अलग अलग रेट के हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एक दो खसी बकरे भी हैं मेरे पास, जो मैंने खसी करवाए थे बच्चे, वो भी मेरे पास रखे हुए मौजूद हैं। और ऐसी मेरे पास रेंज जो है वो 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक के रेंज के हैं मेरे पास। चलें ठीक है, तो आइए व्यूवर्स सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इनके पास जो गोट मौजूद हैं उनके ऊपर, फिर साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलेंगे। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ये गोट्स यहाँ पे रखे हुए हैं और आज इन तमाम गोट्स को हम वीडियो में देखेंगे। अब एक एक गोट को हम सिंगल देखेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ताहिर भाई सिंगल सिंगल गोट को देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स? आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह टापरी मेरे पास रखी हुई बच्ची बकरी, जिसके माशाल्लाह दो बच्चे भी हैं, उसके मैं दिखाता हूं। जी ताहिर भाई, ये जो हम देख रहे हैं गोट, इसके बारे में बताएं, टापरी नस्ल है? जी ये टापरी नस्ल है, और ये हिरन नस्ल भी लोग इसको कहते हैं, क्योंकि हिरन कलर की बकरी होती है। और ये बड़ी प्यारी, इसने माशाल्लाह से इसके बच्चे देखे मेरे पास, ये महीना पहले बच्चे दिए थे इसने, ये एक एक महीने के इसके बच्चे हो गए, और ये दोनों बच्चे जो हैं फीमेल हैं, दोनों बकरियाँ हैं ये। अच्छा, तो ये दोनों जो है वो फीमेल है और वन मंथ जो है इनकी एज हो गई है बच्चों। जी जी, तो ये टापरी से आपने क्रॉस कराए थे? जी जी, ये टापरे से मेरे पास जो अंदर टापरा मेरा बादशाह जिसका मैंने नाम रखा हुआ है बकरे का, उससे क्रॉस हुई भी है ये। अच्छा, तो क्या डिमांड है इस बकरी की बच्चों के साथ? इस बकरी की बच्चों के साथ मैं 40,000 में दूंगा इस बकरी। 40,000 डिमांड कर रहे हैं? डिमांड कर रहा हूँ इसकी, और ये कि दोनों बच्चों समेत है ये। अभी एज क्या है बकरी की? बकरी अभी दो दाँत है, चौथों दाँत निकालना शुरू किया उसने। दो दांत है? जी जी, ये पहला पेट है इसका, फर्स्ट टाइम ब्रीड दी है। जी जी, इसने फर्स्ट टाइम ब्रीड दी है माशाल्लाह। तो आप व्यूवर्स को नेक्स्ट में कौन सी ब्रीड दिखाएंगे? मैं एक और बकरी दिखा रहा हूँ जो मेरे पास टापरे में है, उसको बच्चा देने वाली है इंशाल्लाह, वो इसी 10-15 दिन में बच्चा दे देगी, वो भी बकरी में मंगाता हूँ आपको। चलें देख लेते हैं। जी ताहिर भाई, ये जो हम देख रहे हैं बकरी, इसके बारे में बताएं। ये भी मेरे पास टापरी नस्ल की बकरी है, और ये माशाल्लाह से ये बच्चा देने वाली है, बस ये बामुश्किल 15-20 दिन है इसके बच्चा डाल देगी। अच्छा, तो ये बताइएगा ये पहली दफ़ा ब्रीड देगी? नहीं, इसकी सेकंड ब्रीड है। सेकंड ब्रीड है? इसकी सेकंड ब्रीड है। तो अभी कितने दिनों में डिलीवर हो जाएगा इसका? डिलीवर का टाइम ये समझ लीजिए कि 15, बहुत ज़्यादा 15 से 20 दिन है बस इसके। अच्छा जी, तो जी ये बता दीजिएगा कि अभी एज क्या है बकरी की? ये अब तो ये समझ लीजिए कि ये 2.5 साल की होने वाली है ये अभी। अच्छा, 2 साल की होने वाली है? 2 साल की होने वाली है ये मेरे पास। तो इसकी डिमांड क्या रखी है आपने? इसकी डिमांड 35,000 रुपये। 35,000 रुपये इसकी डिमांड है, और जो ये बकरी है वो प्रेग्नेंट है। जी जी, 15 दिन के अंदर उम्मीद है कि ये माशाल्लाह इस दफ़ा 3 बच्चे इंशाल्लाह देगी ये। अच्छा, तो फर्स्ट ब्रीड में कितने इसने बेबी? फर्स्ट ब्रीड में 2 दिए थे इसने। ज़्यादातर लोगों के पास टापरी बकरियाँ होती हैं, वो एक एक बच्चा डालती है, माशाल्लाह मेरे पास भी फर्स्ट ब्रीड में वो हिरन वाली बकरी थी, उसने 2 बच्चे डाले थे, इसने भी 2 बच्चे डाले, और अभी जो सेकंड अपना सेकंड ब्रीड है इसकी, तो इसका इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 3 बच्चे देगी।
जी ताहिर भाई, जो हम गोट देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी ये भी माशाल्लाह टाप रही है और ये 2 महीने की प्रेगनेंट हो गई है। ये 2 महीने लग गए इसको, हो गए प्रेगनेंट हुए। अच्छा जी, तो जी। वो कब तक डिलीवर हो जाएगी? ये तो अभी दो ढाई महीने हैं इसके अंदर। ये तो कहते हैं कि 4 साढ़े 4 महीने, मेरे पास तो 5वां महीना लग गया था, तब जाके उसने बकरियों ने बच्चे दिए। ठीक है ना, तो कोई कहता 4 महीने में देती है, कोई कहता 5 महीने में देती है, लेकिन मेरे पास 5वां महीना स्टार्ट हो गया तो बकरी ने बच्चे दिए थे। अब इनका नहीं पता कि ये थोड़ा किस टाइम दें। तो ये बताएं कि अभी इनकी एज क्या है, ये कितने दांत हैं इसके? ये अभी 4थे दांत पे आ गई है, 4 दांत आ गई है। मैं दांत बोलेंगे, दांत भी दिखा दूंगा इसके। ठीक है, और ये दूसरा पेट है इसका, इसका बच्चा भी मेरे पास मौजूद है जिसको मैंने खसी करा दिया था माशाल्लाह, वो भी अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी भी 35 है। अच्छा, और उम्मीद कितनी, कितने बच्चे आएंगे इसके? इसकी तो 2 ही कह सकते हैं, क्योंकि इसने फर्स्ट में 1 बच्चा दिया था। इसका मैं बच्चा भी मंगा लेता हूँ आपको, वो तो अलग है, वो भी कम से कम ही 6 महीने का हो गया बच्चा, वो खस्सी कराया हुआ, वो भी मंगाता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी ताहिर भाई, ये है इसका बच्चा? जी जी, ये इसका बच्चा है, ये अभी 6 महीने का हो गया है। ठीक है, और इसको खस्सी करा दिया था मैंने ना पहले ही महीने के अंदर। अच्छा, इसके कान थोड़े से डिफरेंट है, तो कौन सी ब्रीड से इसको? यार ये कान मेरे पास, ये बादशाह मेरा खड़ा हुआ है टापरा, हैदराबादी टापरा, उसी से लगी है, ये मेट हुई है, लेकिन पता नहीं मुझे खुद वो नहीं हो रहा कि ये किस तरीके से कान के अंदर आ गया। ये इसकी ना माँ के ऐसे कान है, ना बाप के ऐसे कान है। अच्छा, तो ये भी 6 महीने का है? ये 6 महीने का, और बहुत फ्रेंडली बच्चा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह से खसी बच्चा, और जानवान में आप देख सकते हैं इसको हर तरीके से। तो क्या डिमांड कर रहे हैं इसके? यार ये अगर कोई लेगा, ये मैं 17,000 रुपये में फाइनल दूंगा उसको। 17,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहा हूँ? 17,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहा हूँ, बस डिमांड नहीं, इसको बस 17,000 तक देना यार, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये आप देख सकते हैं इसको, और बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली बच्चा ये। ताहिर भाई, इसके बाद व्यूवर्स को कौन सी ब्रीड दिखाएंगे? मैं अब इनका आपको एक और इसकी बकरी दिखा रहा हूँ, टापरी नस्ल की, उसके बच्चे के साथ बकरी दिखाता हूँ मैं आपको। जी ताहिर भाई, ये जो हम देख रहे हैं बकरी, इसके बारे में बताएं। जी ये भी टापरी नस्ल की मेरे पास बकरी है, और इसको महीने भर की लगी है ये, इसको मैंने खुद माशाल्लाह बादशाह से लगवाया, और इसका बच्चा आप देख लें, ये 4 महीने का बच्चा है अभी माशाल्लाह, ये खसी बकरा है। तो पहली ब्रीड में इसने 1 बेबी दिया था? जी जी, पहली ब्रीड में 1 बेबी दिया, जो उसके साथ साथ रही है। तो अभी भी फीड करा रही है, अब ये फीड बहुत मुश्किल से करा रही है, क्योंकि महीना हो गया इसको लगे हुए, तो ये अब हटा रही है इसको। अच्छा, तो अभी बकरी की क्या एज है, और ये जो बच्चा है इसकी क्या एज है? ये बकरी जो है 1.5 साल की हो चुकी है मेरे पास। ठीक है, अब ये दोबारा लग गए, इसने पहला बच्चा दिया था। दांतों में 4 दांत की हो गई। 4 दांत की हो गई है? 4 दांत की। अच्छा, और ये जो बच्चा है इसकी क्या एज है? ये भी 4 महीने का है। 4 माह का बेबी? जी जी, 4 माह का बेबी है इसका, ये खस्सी है अभी। तो बेबी अलग से सेल करेंगे? हाँ, बेबी कोई लेना चाहे तो मैं बेबी भी दे सकता हूँ उसको अलग से। तो उसकी क्या डिमांड होगी? यार अगर कोई बेबी लेगा तो उसको ये 15,000 रुपये में दूंगा। ये अच्छा। ये मेरे गलती हो गई, मैंने खसी का, खसी नहीं आंडू बच्चा ही है अभी। अच्छा जी, तो जी, ये 15,000 रुपये सिर्फ बेबी की डिमांड कर रहे हैं, और जो बकरी 20,000 रुपये में बकरी दे दूंगा मैं। और अगर कोई दोनों लेना चाहे? यार ये 40,000 में ये बकरी और इसका बच्चा दे दूंगा मैं, पैकेज है। जी जी जी, 40,000 में दोनों हो जाएंगे, देख ले, बहुत अच्छे माशाल्लाह से नस्ल में, दूध में भी काफ़ी है इसका। और जो इससे पहले वाली आपने जो बकरी देखी थी मेरे पास, जिसकी लाल गर्दन थी, वो माशाल्लाह मैं पूरे दिन में 1 दफ़ा दूध निकालता हूँ, 2 दफ़ा नहीं, 3 पाव दूध आता है आराम से उसका। ठीक है जी ताहिर भाई, अब क्या दिखाएंगे व्यूवर्स को? अब मैं माशाल्लाह इन जो सारी मैंने बकरियाँ दिखाई हैं, उन सब का जो मैं आपको हस्बैंड दिखाने वाला हूँ बादशाह, अब वो आ रहा है, आप उनको देखिएगा माशाल्लाह। चलें देख लेते हैं, मेल ब्रीड दिखा रहे हैं। जी ब्रीड दिखाता हूँ मेल। जी ताहिर भाई, ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, ये टापरा मेल है? जी जी, ये टापरा मेल है, और माशाल्लाह से आप इसकी हरकतें देख सकते हैं, और इसको देख सकते हैं कि जितनी भी बकरियां हैं सब माशाल्लाह इससे ही लगी हुई हैं सारी। ये मैंने सब बकरियों के अंदर ये बकरा छोड़ा हुआ है। तो इसके भी क्या एज है? ये अब 4 दांत का हो गया, 4 दांत का कम्प्लीट हो गया, यानी कि ये 2 साल तक क्या पहुँच चुका है ये। अच्छा जी जी, तो भरपूर इससे ब्रीड ली जा रही है? भरपूर माशाल्लाह से इससे ब्रीड ले रहा हूँ, जितनी बकरियाँ भी आती हैं ये उस पर, और माशाल्लाह फुल एक्टिव है, फुल एक्टिव बकरा, ये आप देख सकते हैं इसको, ये हमारे बच्चों से ऊपर जितने बच्चे आते हैं उनसे लगा रहता है ये। तो ये बताएं कि अभी देख रहा हूँ मैं माशाल्लाह इसकी डाइट वगैरह आपने क्या रखी है, वजन नहीं हो रहा? देखें डाइट के अंदर तो मैं इनको अब थोड़ी सारा मौसम चेंज हो रहा है, वरना तो मैं केले और सेब डेली इनको दे रहा था सुबह में, शाम के टाइम जो है फिर वो इनका मिक्स जो दाना आता है जिसमें छिलका भूसी, जी छिलका भूसी गंदम जो मिक्स बकरियों का दाना होता है हमारे पास शॉप पे भी मेरे होता है, मैं वो इनको दाना दे रहा होता हूँ, फिर जंतर वंतर 2-3 दिन में 1 दफ़ा इनको दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ मैं जंतर, इनको दाने पे ज़्यादातर रखते हैं, और बाकी फल फ्रूट सब्जियों के ऊपर होता है ये। इसका हमने नाम बादशाह रखा हुआ है, बादशाह। ये बताएं ये सेलिंग के लिए है?
देखिए अगर कोई पैसे अच्छे मिलेंगे तो मैं इसके सीधी बात है मैं इसको दे दूंगा। तो क्या डिमांड रखी है यार? मैं इसको डिमांड तो इसकी 50 है लेकिन 45 तक मैं दे दूंगा इसको। 45,000 रुपये डिमांड कर रहा हूँ। ये 50 डिमांड है इसकी लेकिन 45 मैं दे दूंगा मैं इसको। लेकिन ये माशाल्लाह ऐसा है कि इस पर अगर 10 से 15 बकरियाँ भी डालेंगे तो ये उनके लिए पूरा करेगा सबको इंशाल्लाह। और दांत भी देखना चाहें तो मैं दांत भी दिखवा दूँ। बेटा दांत दिखाओ, ये देखिए चार दांत हैं। ये देखें चार दांत हैं, आप देख सकते हैं ये चौथे दांत अब आ भी रहे हैं पूरे। अब क्या दिखाएंगे? तो ताहिर भाई अब क्या दिखाएंगे व्यूवर्स को? मैं दिखाता हूँ, दो मेरे पास एक बकरियाँ खड़ी हुई हैं, एक दो और बकरियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है टापरी नहीं है, वो राजनपुरी और गुलाबी की क्रॉस हुई हुई हैं, वो भी बकरियाँ मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, दोनों बहने हैं। चलो देख लेते हैं दोनों को, इधर करो जी। ताहिर भाई ये जो हम देख रहे हैं ब्रीड इसके बारे में बताएं, और मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर बाल भी आए हैं बड़े, तो क्या क्रॉस ब्रीड है ये? यार ये थोड़ी सी मेरे पास क्रॉस ब्रीड आई है, ये मेरे पास की ब्रीड नहीं है, ये मैंने परचेस किए थे, ये दूध में बहुत अच्छी आ रही थी तो दूध के लिए मैंने इन बकरियों को लिया था। अच्छा दोनों फीमेल हैं? दोनों फीमेल हैं। तो क्या डिमांड रखी है यार? ये मैं 17,000 रुपये पर पीस की रखी है मैंने, यानी 34,000 रुपये मैं दोनों बकरियाँ आई है। तो ये बताएं ब्रीड का भी बता दें कौन सी ब्रीड बन रही है ये आप उसको देख सकते हैं कि इनकी सिंगे खुर आँखें, एक की गुलाबी एक की राजनपुरी, ये जिससे मैंने उठाई थी उसने क्रॉस ब्रीड बताई है, उनके पास पूरा रेवड़ था उसमें क्रॉस हुआ है सारा ये। अच्छा तो लेकिन ये दोनों भी लग गई हैं, ये हमारे बादशाह ने दोनों को प्रेग्नेंट कर दिया है। अच्छा तो भी ये बताएं कि अभी इनकी एज क्या है? इनकी एज ही अब जो चार चार दांत पे, एक चार दांत की हुई है और एक दो दांत की है। तो क्या डिमांड है यार? ये 17,000 में पर दे दूंगा मैं एक बकरी 17,000 रुपये में, और दूध में माशाल्लाह अच्छी हैं आप ये देख सकते हैं, इनके थनमन देख सकते हैं गुलाबियों वाले, कोई इसके अंदर दूसरी लोकल बकरियों का नहीं है। ठीक है जी आप कौन सी ब्रीड दिखाएंगे? मेरे पास गुलाबी दो बच्चे खड़े हैं, गुलाबी कपले वो दिखाता हूँ मैं आपको। चलें देख लेते हैं जी। ताहिर भाई ये जो हम देख रहे हैं गुलाबी बकरियाँ इसके बारे में बताएं। ये दोनों गुलाबी बकरे हैं मेरे पास बच्चे, ये 6-6 महीने के बच्चे हो गए गुलाबी बच्चे हैं ये, मैं बहुत छोटे बच्चे लेकर आया था 1-1 महीने के जब थे, इसको 5 महीने रखा, अब ये दोनों बच्चे देख सकते हैं माशाल्लाह से ये पूरे गुलाबी हैं, बस इनमें एक दुम एक थोड़ी सी लाल और इसके दूसरे वाले बच्चा जो है इसके सर पे एक निशान है बस गुलाबी कलर का, वरने पूरे प्योर गुलाबी बच्चे हैं ये दोनों। तो कामोरी क्रॉस होगा ना ये? जी जी कामोरी क्रॉस पे चलेगा क्योंकि ये दोनों धब्बों ने और दुमने वो कर दिया, वरना हर तरीके से पूरे गुलाबी बच्चे हैं ये। तो अभी एज क्या है इन दोनों की? ये 5-5 महीना, जब 6ठा महीना इनका लगा है अभी ये। अच्छा जी जी अभी पलटे हैं अभी तो पूरे दोनों बच्चे हैं अभी ये। तो पर बेबी की क्या डिमांड कर रहे हैं यार? अगर कोई पर बेबी लेगा तो ये 40,000, कोई दोनों लेना चाहेगा तो उसको 70,000 में दोनों बच्चे दे दूंगा मैं। अच्छा। आप ये सेहत देख सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं माशाल्लाह से सब कुछ इनका। तो अभी इनका वज़न क्या होगा यार? वज़न का मैं आइडिया आपको नहीं ऐसे दे सकता कि मुझे इस तरह का आइडिया नहीं है कि कितना इसमें वेट होगा। मैं ऐसे रफ आइडिया यार रफ आइडिया अगर लाइफ वेट कहेंगे तो लगभग 50 तो होगा इसका अगर लाइफ वेट कहेंगे तो, क्योंकि इसमें ज़रूरी बात है गोश्त का इतना नहीं क्योंकि सांस है, फिर उसके बाद अलाद वलाद निकलने के बाद इसमें अगर गोश्त का निकालेंगे तो 15-16-17 किलो गोश्त निकलेगा बस। ठीक है ना, ऐसा नहीं पूछ रहा मैं, लाइफ आइडिया ही नहीं है। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये गुलाबी और कामोरी क्रॉस ब्रीड है, और इनके कान एयर आप देख सकते हैं लॉन्ग हैं। इसके अलावा जो डिमांड कर रहे हैं ताहिर भाई 40,000 ईच बेबी की डिमांड कर रहे हैं, तकरीबन अभी बता रहे हैं 6 महीने के ये हैं। जी जी 6 महीने के, 6ठा महीना लगा है इनको भी, पूरे 6 महीने इनके कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आप कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स को? बस मेरे पास ये जो 15-16 दाने थे मैंने आपको दिखाए। तो व्यूवर्स जो ब्रीड ताहिर भाई ने आज आप तमाम व्यूवर्स को दिखाई, जो भी इनका शौक़ था इन्होंने आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर किया, इसके अलावा इन्होंने ये शौक़ के तौर पे पाले थे और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस थी। जी ताहिर भाई ये बताइएगा यहाँ पे जो बकरियाँ आपने रखी हुई कितनी मेहनत की है इन पर, और इनकी डाइट किस तरीके से मेनटेन करते हैं? तो इनकी बस ये कि इनको सुबह के टाइम इनको दाना दिया जाता है, ठीक है, फिर या तो सुबह में हम इनको सेब वेब काटता हूँ, मैं सेब लेके आता हूँ, आजकल सेब आपको पता थोड़ा सस्ता चल रहा है, सेब केले और बाकी इनके अंदर इनको पालक वालक सब्जियाँ जितनी भी मेरे को मिल जाती हैं नॉर्मल रेट के ऊपर वो ला के इनको सुबह कम अज़ कम भी 2 घंटे लगते हैं इनको सब्ज़ियाँ काट के देने में सारी, या सरदा आया, अभी सरदा आया हुआ सरदा लेके मैं छोटे छोटे पीस करके इनको सुबह में दे रहा होता हूँ, अगर ये चीज़ नहीं मिलती तो मैं इनको सुबह शाम 2 टाइम दाना दे रहा होता हूँ, जंतर नहीं तो जंतर हफ्ते में 4 दिन में 1 दफ़ा देता हूँ बस इनको। यानी ज़्यादातर इनको फ्रूट और वेजिटेबल खिलाए जा रहे हैं? फ्रूट वेजिटेबल और इनका जो मिक्स दाना गंदम है और इसमें जो छिलका विलका है वो सब इनको दिया जाता है। तो बहुत केयर की जा रही है। इसके अलावा ये जो आपने वीडियो में कोट किए रेट, इसमें व्यूवर्स को कुछ कॉर्पोरेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा? चलें देखें जो हो सकेगा मैं इंशाल्लाह कर लूँगा, और मेरे पास और भी बकरियाँ आ रही हैं, इस पर मेरा काम और चल रहा है, और मैंने अभी 20 बकरियाँ और मंगाई हैं इंशाल्लाह ताला, तो वो भी अभी 10 दिन में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगी मेरे पास।
ठीक है। अच्छा ताहिर भाई, ये भी गाइड कर दीजिएगा कि ये जो गोट से रिलेटेड बीमारी आती है, डिजीज़ आती है, तो इसकी मेडिसिन वगैरह भी आपके पास अवेलेबल होती हैं शॉप पे? नहीं, मेरे पास बकरों की दवा कोई भी नहीं है, बर्ड्स की सारी मेरे पास मेडिसिन है। ठीक है, और इंशाल्लाह का शुक्र है अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी बीमारी नहीं आई बकरों की या बकरियों के अंदर जिसमें मुझे दवा की ज़रूरत पड़े। वैसे मैं अपने देसी टोटके इनको देता रहता हूँ, कभी काला नमक दे दिया, अचार दे दिया, विटामिन की दवाएँ आती हैं मेडिकल से लाकर मैं इनको थोड़ा थोड़ा वो पिलाता रहता हूँ। फिर इनको तेल भी देता हूँ मैं, सरसों का तेल सुबह के टाइम इनको पिलाता रहता हूँ ताकि उससे इसमें शाइनिंग आती है और इनका पेट खुलता है, भूख खुलती है। गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, भी मौसम चेंज हो गया तो दही नहीं दे रहा हूँ, वरना तो इनको दिन में दही भी दे देता हूँ मैं। लाहौरी नमक भी तो देते हैं? वो लाहौरी नमक तो इनके दाने में कंटिन्यू रखा हुआ, तो वो उसको खुद चाटते रहते हैं। कभी नहीं होता तो काला नमक इससे अच्छा होता, वो काला नमक इनके जबड़ों में मल देते हैं, कभी अचार में इनके जबड़ों में मल देता हूँ ताकि इनका हाजमा बिल्कुल सही रहे। ठीक है, तो व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आज का ये विजिट आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आया होगा। ताहिर भाई से ले लेते हैं इजाज़त, ताहिर भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। सर मेरा अकाउंट नंबर 03112476220। ठीक है, उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स के साथ कोऑपरेट करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला पूरा कोऑपरेट होगा हमारा। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, सलाम अलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आज की ये कवरेज आप तमाम व्यूवर्स को पसंद आई होगी, और आप तमाम व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तमाम व्यूवर्स को हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इस तरीके की और भी हम कवरेज करते रहते हैं, मल्टीपल सेटअप्स पर जाते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप तमाम व्यूवर्स के लिए अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप तमाम व्यूवर्स से अब इजाज़त चाहूँगा, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।